वो ऐसा हुआ नहीं, मेंटल का क्या फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। तो बेसिकली क्रक्स ये था कि हर अटेम्प्ट एक अपनी मेहनत है और हर अटेम्प्ट में उतनी ही उतने ज्यादा जोर से मेहनत करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर है, उसको नहीं रखना है। एज सर पॉइंटेड आउट कि अब सर ने 2.5 लाख बोला, बट आई लाइक टू चेंज द फिगर अराउंड 5 से 7 लाख लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, जिसमें से 10 या 12 हजार लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है एंड फाइनल और आईएएस टॉप 100 रैंक और टोटल इज अराउंड 1000 लोग हैं जो सिलेक्ट होंगे। अब और प्लस जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो सारे के सारे महारथी हैं अपने फील्ड में। तो द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि आपको मेहनत करनी है तो प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ये सोचो कि एक हाफ एडिट एफर्ट से यूपीएससी निकलेगा तो आई डोंट बिलीव सो, मतलब आपका ओपिनियन हो बट मेरा ओपिनियन नहीं है कि उससे निकल सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इस जब प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी कि सर ने भी अपने प्रिपरेशन में इवन 70s के टाइम में सर ने बोला कि उनका पूरा प्रिपेयर करते थे चार्ट हटा के बैठे थे डिस्कशन में, सेम पैटर्न था। इवन आपको 30-40 ईयर्स बाद भी सेम पैटर्न मेरा ही था कि प्रिपेयर करता था पूरा चार्ट वीक का, डे का, मंथ का और प्लानिंग करके रखता था कि कब मुझे कितना करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये चीज़ें कॉमन पॉइंट जो मैं निकला है कि 40 साल बाद भी और 40 साल तक सेम चीज की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैमजट तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस सर प्रिपरेशन में। दूसरा पॉइंट जो सर ने हाईलाइट किया इस नियत का, अच्छी नियत होगी तो मोटिवेशन अच्छा होगा। अगर एक्चुअली में आपकी नियत ही है कि मुझे पावर चाहिए या वॉट यूपी में रौला चाहिए तो आई डोंट थिंक दैट इज द दिस इज द राइट थिंग टू डू, या फिर ये सही सर्विस है आपके लिए। अगर आपकी इंटेंशन एक्चुअली में टू सर्व द सोसाइटी है या कुछ बदलाव लाने के लिए है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वरना वो ज़्यादा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में गया था अपने एक मित्र के पास, वो भी आई एस है वहाँ पे अभी 2016 बैच का। तो उससे सेम डिस्कशन हो रहा था मेरा कि इज पोस्टेड इन अ टाउन एंड शायद मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ कि उसका मोटिवेशन क्यों आया है। एक ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है वो डिवीजन में कि वहाँ पे अभी सिनेमा हॉल नहीं है एंड इवन फॉर गेटिंग अ केक ही हैज टू गो 2 आवर्स देयर। तो मैंने पूछा कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी एंड ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसका आंसर बहुत सिंपल था कि कल मेरे पास एक बुजुर्ग आए जिनका 38 ईयर्स से एक लैंड रिकॉर्ड का कोई इशू था, वो अटका हुआ था और ही वॉज एबल टू सॉल्व दैट इशू इन 1 मंथ। और जब वो इशू सॉल्व हुआ तो जो हैप्पीनेस उसको मिली ना वो किसी सिनेमा हॉल या किसी रेस्टोरेंट से बड़ी थी। तो मैं इस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली कि ये मोटिवेशन चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो हैप्पीनेस है वो बाकी सारे मटीरियलिस्टिक प्लेजर से ऊपर है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तीसरा पॉइंट इज सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस कि काफी लंबी जर्नी हो सकती है, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो। तो ऐसे में आपको अपना इमोशनल और बाकी बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सपोर्ट सिस्टम आपको मेंटेन रखना होगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मतलब रेगुलर आप थोड़े से ब्रेक लीजिए अपनी तैयारी से, फैमिली से इंटरेक्ट करिए, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करिए ताकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वरना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी। और मैं इतना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं MBBS किया एंड इस वॉज माई 4th अटेम्प्ट एंड करेंटली मेरे सारे जो बैचमेट्स हैं देर अर्निंग, सबके पास कार है, लोग घर ले रहे हैं एंड मुझे ये था कि मेरी तो जॉब ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो मोटिवेशन के लिए आपको काफ़ी इमोशनली स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो देन यू कैन क्रैश। तैयारी के बीच में कुछ लोग तैयारी एग्जाम के 1 महीने पहले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। बट ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम बना के रखिए जो आपको ओवर द प्रिपरेशन तैयारी करे, तो तैयार जो आपको सपोर्ट सिस्टम बना के रखे ताकि वो आपको सपोर्ट करता रहे। रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्टार्टिंग, तो सबसे बेसिक चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व करी थी कि जो लोगों को मिस्टेक जनरली करते हैं, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग
बीएससी और रैंडम चीजें से स्टार्ट करते हैं. 50% ऑफ द पीपल डोंट इवन रीड द सिलेबस. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप अपनी तैयारी सबसे पहले सिलेबस उठाइए और 5 साल के पेपर उठाइए और पेपर को समझिए कि क्या सिलेबस है. इतना अच्छा खासा 30-40 पेज का जो सिलेबस बनाया है ऑप्शनल और जीएस का मिला के और इतनी बड़ी बॉडी है, तो ऐसा तो नहीं है वो यूजलेस होगा, उसकी यूटिलिटी होगी. और आप रियलाइज करेंगे जब पेपर और सिलेबस देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम द सिलेबस. तो सिलेबस पे अच्छी पकड़ बनाइए सबसे पहले कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, और वही टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे जब आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि इसकी यूटिलिटी मेरे लिए कैसे है. अगर बिना सिलेबस के आप पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी और नोट्स पढ़ रहे हैं, उसकी यूटिलिटी नहीं बची थी. तो बेसिकली सिलेबस का लास्ट के 5 ईयर के पेपर डाउनलोड करके उन पर एक अच्छी सी अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए. पहले पेपर की डिमांड समझिए कि पेपर क्या चाह रहा है, क्या वो चाहता है, कितना आपको आता है, कितना आपको जानना है, कि क्या जानना है क्या नहीं जानना है. नहीं जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस क्योंकि इतना सारा कंटेंट है मार्केट में, अगर आपने सही से फिल्टर आउट नहीं किया ना तो काफी टाइम लग जाएगा. नेक्स्ट फैक्टर इज कि जब आपने ये सब कर लिया तो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई है अपनी, जिसमें बेसिकली आपका मंथ का, डे का, वीक का, ये सारे के सारे फैक्टर्स को पॉइंट आउट काउंट आउट करके कि कब मुझे कितना प्रिपेयर करना है, कब कितना पढ़ना है. एंड सिंगल माइंड से, मतलब अगर मेरा ये होता था कि अगर डे का टारगेट बनाया है और वो नहीं कम्प्लीट हुआ, अगर वो 8 आवर्स में कम्प्लीट हो गया तो वेल एंड गुड, तो मैं शायद कुछ और चीज़ देख लेता. अगर वो 12-14 घंटे भी लग रहे हैं तो मैं जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं सोता नहीं था, कि मेरा थोड़ा पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, तो वो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था कि मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया. थोड़ा टारगेट बदल सकते हैं इस तैयारी में. दूसरा ही ये है कुछ कि लोगों को ये डाउट रहता है कि हुआ या नहीं हुआ. अब वो रिस्क तो आपके हर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है. बीट प्रिपेयरिंग फॉर आप आईटी की तैयारी करेंगे, मेडिकल की करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे, बट इवेंचुअली जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है अपॉर्चुनिटी. मैं भी जब तैयारी शुरू करी थी तो देयर इज एन आईएएस ऑफिसर डॉक्टर समित शर्मा, मैं अपनी इंटर्नशिप में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ था कि मुझे लगता था कि जैसे सबने बोला कि अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो गो फॉर एक सोल्यूशन. एंड दैट वाज आई थॉट कि मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ केयर में अगर वीक है तो मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले इसको ठीक करने की. एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद माई सीनियर तो मुझे लगा कि शायद आईएएस कैन प्रोवाइड मी विद दिस अपॉर्चुनिटी. एंड इसके लिए मैंने पढ़ा डॉक्टर समित शर्मा है, एक राजस्थान में इवन आईएएस ऑफिसर, तो उन्होंने जेनेरिक ड्रग स्टोर खोले थे पूरे राजस्थान में कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर अफोर्डेबल मेडिसिन मिले, जिसके अभी आप इसका एक वर्जन जो आपने सुना होगा कि जो जन आरोग्य योजना है जिसमें सस्ती मेडिसिन मिलती है.